आज का जो प्रोग्राम है जिसका नाम है एलडीपी, ये मैं करता तो हूं एलडीपी, लेकिन कम करता हूं। हालांकि इसकी सख्त जरूरत है, लेकिन मेरा एलडीपी थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है थोड़ा समझे? yes. कितने लोगों ने अभी गैस के चूल्हे का रोटी खाई है? गैस के चूल्हे पे अभी जो खा रहे हैं लगभग उसी पे खा रहे हैं, है ना? और जब भी आपको गांव में रहने का मौका मिला तो चूल्हे पे भी एक रोटी बनती है, वो कितने लोगों ने खाई है? अच्छा, वो भी लगभग सभी ने खाई है, अभी खाने का मौका नहीं मिलता। अभी जो भारत में एलडीपी चलते हैं वो गैस के चूल्हे वाले हैं। मेरा वो घर वाला देसी चूल्हे का है, बस मेरा फर्क इतना है। मेरे को अभी किसी ने पूछा जी ये चाहिए, मैंने कहा ये तो गैस का चूल्हा है, इसका मेरा काम नहीं है, मेरा तो बोर्ड है, मैं देसी आदमी। तो मैं एलटीपी भी जितनी करता हूं प्रैक्टिकल करता हूं, नेचुरल करता हूं, और नेटवर्क में जो बारीकियां हैं बारीकियों का ही ध्यान रखना होता है। सेमिनारें हो रही है बड़े काम के, नेटवर्क में क्या बारीकियां रखनी चाहिए जिनकी वजह से सिस्टम बिगड़ता है, आज उन बारीकियों पर हम बात करेंगे। और मैं ज्यादातर प्राकृतिक से सीखता हूं। अभी मैं अजीत जी और नरेश जी मेरे साथ थे स्टेशन, ये वो पॉइंट है जिनको मैंने अभी, जैसा सुनील जी कह रहे थे, 21 साल में जिया है। मेरा किताबी कोई याद नहीं है, किताबें मैंने पढ़ी नहीं, ज्यादातर लोगों को पता है। तो रेडी है? शाम लगभग 7 बजे तक हम बात करेंगे। तो एलडीपी की फुल फॉर्म है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपकी भाषा है, मेरी देसी भाषा में बताऊं, लंगड़े दौड़ पड़े। एलडीपी का नेटवर्क में बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि जब स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी थे तो वो लीडरशिप पे ज्यादा काम करते थे, मैं पहले करता था, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, नए लोग आ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे अजीत जी से, नरेश जी से, स्टेशन से आ रहे थे, नए लोगों के लिए एलडीपी नहीं है, सीनियर होना चाहिए लगभग 3-6 मंथ बैक। नया तो आज सेमिनार सुनने आया है तो उसका मतलब उसको तो एडमिशन लेना है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और यहाँ चलेगा 10th का कोर्स, है ना? तो फिर उसको वो हजम नहीं होता। तो पहले मैं फिर क्या करता था, एक दिन सेमिनार करता था उसी शहर में, एक दिन रुका एलडीपी करता था। कल जैसे उज्जैन में मैं सेमिनार करूंगा, फिर एक दिन रात को रुकूंगा मैं वहीं, और अगले दिन मैं जावरा पास में वहां एलडीपी करूंगा। तो थोड़ा सा कुछ लोग शायद हो सकता है मेरे से नहीं जानते हो, पहली बार सुन रहे हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ले शॉर्ट में। नाम दिनेश चौधरी है और इसी यूपी की धरती मुरादाबाद में जन्म दिया, वहीं पला बड़ा हुआ। फादर किसान थे, 100 बीघे जमीन थी, दादाजी भी अकेले थे, पर दादाजी भी अकेले थे, पिताजी के हम 4 बच्चे हुए, 4 बेटे, सिस्टर नहीं है, और मैं 3rd नंबर का। तो मेरे फादर का एक सपना था कि 2 बच्चे तो नहीं पढ़ पाए, ये पढ़ जाए तो एक बच्चा जॉब में चला जाए, उनका ऐसा मानना था। उनका मेरे पे ज्यादा फोकस था और मैं 6th तक अच्छा भी पढ़ा, और उसके बाद क्या हुआ मैं भी आज तक नहीं समझा। तो मैं 10th नहीं कर पाया, जब पहले साल में फेल हो गया तो पिताजी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मेरे से कहा यार बेटा तुम्हारे से मेरे सपने हैं। मैंने कहा मैं इस बार मेहनत करूंगा, तो मैंने 2nd साल मेहनत की, 2 विषय में रह गया, 3rd साल मेहनत की, 2 विषय में रह गया, उसके बाद स्कूल ने बाहर निकाल दिया। वो रेगुलर 3 ही साल रखते हैं,
तो मेरे फादर को गुस्सा आया, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा, थोड़े गुस्से वाले व्यक्ति थे वो, कि इसके भाग्य में भी खेती लिखी है, ये भी खेती कर लेगा। तो खेती से थोड़ा सा हार्ड वर्क है, और अभी तो मैं थोड़ा न्यूट्रिशन खा के अच्छा हो गया, पहले बड़ा दुबला पतला था, तो मेरे को लगा था खेती में नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने मेरी माँ को कन्विंस किया, मैंने कहा एक बार मेरे को प्राइवेट का चांस छोड़ दो। तो पिताजी थोड़े से जिद्दी भी थे, उन्होंने कहा आप चांस नहीं। तो मैंने मेरी माँ को कहा एक बार तुम समझाओ। तो उन्होंने मेरी माँ से कहा इस साल क्या गारंटी है, चौथे साल क्या गारंटी है। तो मेरी माँ ने मेरे से पूछा, वो तो अनपढ़ है, बोले बेटा वो पूछ रहे इस साल क्या गारंटी है। मैंने कहा उनको कहो 3 साल का अनुभव साल है, इस साल कुछ तो होगा। चौथे साल भी कुछ हुआ नहीं, उसके बाद ये पिक्चर एंड हो गई। मैं थैंक्स देता हूं, बहुत सारे लोग ये जिंदगी में कई बार भगवान से ये मतलब कहना चाहिए क्या करते हैं, शिकायत, शिकायत कह सकते कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उस समय आप सोचो मेरे फादर को भी बहुत अच्छा नहीं लगा और मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। शायद उस समय मैं पढ़ लिख जाता क्या होता, एक अच्छे जॉब में होता, हो सकता था मेरी 1 लाख की सैलरी होती, हालांकि चांस कम थे, फिर भी मान लो होती। आज मैं भारत सरकार को लगभग 1,10,000 रुपए 10,000 महीने का इनकम टैक्स देता हूं। पिछले महीने बोनस आया अच्छा था, पिछले महीने 1,82,000 इनकम टैक्स दिया मैंने भारत सरकार। तो मैं आपसे भी एक आगे टॉपिक में आएगा, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जीवन में भगवान का पार्ट जरूर रखना, अपनी इनकम का भी 1% हमेशा आध्यात्मिकता में देना चाहिए हमेशा। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, ये अभी नहीं पता लगेगा, ये बहुत दिन बाद पता लगता है, 1%, उसके बगैर कुछ नहीं होता। सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले भगवान को 2 बात जरूर बोलनी चाहिए हमेशा, कि आपका लाख लाख धन्यवाद है आपने इंसान, 84 लाख योनियों का चक्कर है ये, आपको वापस इंसान बनना हो 84 लाख घूमनी पड़ती है। सुनील जी, कुत्ता 15 साल जीता है, घोड़ा 55 साल जीता है, हाथी 70 साल जीता है, कछुआ 125 साल जीता है, अभी 4 हुई है, 4, ये तो 4 ही हुई है 84 लाख। तो थैंक्स है उस गॉड का कि उसने हमें इंसान बनाया, ये बोलना चाहिए। और आज भी धन्यवाद दो, आने वाले बहुत लोग होंगे, कुछ मिस भी हुए होंगे, आप आए हैं, ये भी उसका प्लानिंग है। और इंसान उसने बनाई दिया तो हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए। हालांकि बाहर की दुनिया में खुशी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में हमें ये हमें हंसने की ताकत नहीं देता, हमारी 7 पीढ़ियों को हंसाने की ताकत देता। तो खुश रहना चाहिए। मेरे को दुख तब होता है जब लोग हंसने की बात पर भी नहीं हंसते। चलो ना हंसने की है मत हंसो, हंसने की बात पे तो हंसना चाहिए, वो हंसने की बात पे भी हंस बैठते। पता है क्यों? 84 लाख योनियों में केवल भगवान ने हमें ही मुस्कुराने की ताकत दी, केवल इंसान। आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा नहीं? भैंस अगर मुस्कुराते हुए आपको दिख जाए तो समझना वो आदमी बनने के प्रोसेस में है, उसके 84 लाख का चक्कर पूरा हो गया। और आदमी अगर मुस्कुराना बंद कर दे तो फिर आप समझना आगे नहीं कहना चाहता, आप समझते हैं, बस समझना। तो शुरू करें। पहला टॉपिक से जो हम बात शुरू करने वाले हैं,
एलडीपी की एक्चुअल जरूरत पड़ती क्यों है, सेमिनार से काम क्यों नहीं चलता, समझे थोड़ा। देखो एलडीपी थोड़ा सा आप सेमिनार की तरह मत समझना, ये हल्का थोड़ा हो सकता है, मैं कोशिश तो करूंगा बोरियत पार्ट ना बने, लेकिन ये थोड़ा बोरियत पार्ट बनता है, क्योंकि जो शास्त्र है ना हमारे शास्त्रों में जो लिखा है प्योर अगर बताया जाए तो आधे घंटे बाद जनता सो जाए, वो इतना बोरियत है। लेकिन उसको संत लोग क्या है बीच बीच में मिक्सिंग करके सुनाते हैं, है ना, तो मैं कोशिश करूंगा मिक्सिंग रखूं क्योंकि ये थोड़ा बोरियत पार्ट है। एलडीपी की जरूरत क्यों है थोड़ा समझ। एक बंगाली डॉक्टर था, अच्छा कुछ बातें मेरी कड़वी भी होंगी आपको अच्छी भी नहीं लगेंगी, बाद में हो सकता है आप अजीत जी को कहो यार किस आदमी को पकड़ के लाया, हो सकता है बाद में, लेकिन कड़वी का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आपको अच्छा ना लगे या आपका ईगो हर्ट हो। आप डॉक्टर को के पास जब बच्चे को लेके जाते हो 3-4-5 साल का और वो कहता है इसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है, तो आप कहते तो लगा लगाओ लगाओ, बच्चा नहीं चाहता लगे, आप चाहते हो लगे और डॉक्टर भी चाहता है लगवाओ। उस समय उस बच्चे को दुश्मन कौन नजर आता है, दोनों, पहला तो पिता जो लेकर गया है और दूसरा सपोर्ट कर रहा है लगाओ, बल्कि डॉक्टर तो यह भी पूछ रहा दवाई से भी काम चल सकता है पर 3 दिन में रिलीफ मिलेगा, इंजेक्शन आज ही दे देगा, और आप बच्चे के समझ लगाओ लगाओ, बच्चा कह रहा पापा दवाई दवाई छोड़ तुम लगाओ, तो पहला तो दुश्मन पिता है लेकर गया और सपोर्ट कर रहा है, दूसरा डॉक्टर है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन दोनों का उद्देश्य खराब है गलत है, ये चाहते हैं उस बच्चे को तकलीफ हो, नहीं चाहते, दोनों नहीं चाहते, लेकिन ये दोनों ये चाहते हैं ये थोड़ी सी तकलीफ सहन करके हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाए। आज मेरी जो बात थोड़ी सी आपको अच्छी ना लगे उसको ये सोच के मत सोचना कि ये पिता क्यों प्रेशर कर रहा है इंजेक्शन लगवाने का, हम ये चाहते हैं कि जिन पिनों पर आप हो आप बहुत जल्द हमारी सफाई पिन पर, तो एलटीपी का क्या उद्देश्य है, एक बंगाली डॉक्टर था तो ज्यादातर गांव में पाए जाते हैं और इनके पास कोई डिग्री उग्री नहीं होती, इनके पास डॉक्टर के साथ रहने का अनुभव होता है कि कौन सी दवाई देनी है कौन सा इंजेक्शन लगाना, फिर ये अपनी पर्सनल दुकान खोल लेते हैं। तो ऐसा एक डॉक्टर था तो उसने गांव में दुकान खोली नरेश जी। एक दिन एक 22 साल का लड़का था, गलती से कोई गलत इंजेक्शन लग गया, केस बिगड़ गया, लड़के की डेथ हो गई क्योंकि डिग्रियां तो थी नहीं, तो गांव वाले आक्रोशित हो गए, परिवार ज्यादा हो गया, परिवार ने कहा इस डॉक्टर को भी मार, कोई बाहर का डॉक्टर, तो वह गांव में बुजुर्ग थे उन्होंने कहा मारो मत, इससे तो गलती हो गई, तुम क्यों कर रहे हो, इसको अगर पनिशमेंट देना है तो ये काम करो, इसके पास अब जाना बंद कर दो, ये वैसे ही भूखा मर जाएगा। तो वो जो बुजुर्ग थे उनके कहने से लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब ये परेशान हो गया तो इसने सोचा इलाज किसका करो, तो इसने सोचा जानवरों का ही चालू कर दो, अब लोग तो आ नहीं रहे, अब इसको ज्ञान किसका था, आदमियों का। अब जब भूखा मर रहा था तो इसने जानवरों का स्टार्ट कर दिया, तो इसने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा दिया आदमियों के साथ जानवरों का भी इलाज किया जाता है। एक आदमी जून के महीने में, यही जून का महीना, भैंस लेके जा रहा था, 3 दिन से उसने चारा नहीं खाया, इसने देखा भैंस लेके जा रहा है तो इसने इशारा किया आ जाओ, तो उसको भी लगा बोर्ड लगाए कि होता है जानवरों का भी। अब इसने आके पूछा क्या हुआ इसको, बोले 3 दिन से खाना नहीं खा रही, तो इसने जुगाड़ लगाया क्योंकि डॉक्टर तो इंसान को पता आदमी खाना नहीं खाता तो उसको बुखार होता है। अब उसका बुखार नापते हैं गर्म है, तो उसने भैंस पे हाथ रखा, तो जून का महीना था वैसी मोटी चमड़ी होती है तो वो तो बहुत ही गर्म थी, तो इसको
आइडिया लग गया इसको भी बुखार है, अब क्या करें? बोले गोलियां देनी पड़ेगी। अब गोलियों का तो इसको ज्ञान इंसानों वाली का था, तो इसने फिर जुगाड़ लगाया, इंसान को दो दी जाती है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है, इसको 10 दे दो, इसको 10 दे दो। अब इंसान तो खा लेता है, इसको कैसे दी जाए? ये तो बहस है। तो ये घर में जो पानी वाली आधा इंची नली होती है प्लास्टिक की, लाया इसने भैंस के मुंह में डाल दी थोड़ी अंदर तक, क्योंकि गोली पेट में पहुंचानी है, आदमी तो खा लेता है। तो गोली नली अंदर करी, जिसने 10 गोलियां रख दी और इसने सोचा फूंक मार देंगे, अंदर उतर जाए। तो जैसे ही ये मारने वाला था, उसके पहले भैंस ने मार दिया और नदी इसके मुंह में थी, डॉक्टर के एक उसके में थी एक इसके में। अब वो गोली कहां चली गई? डॉक्टर के पेट में, इलाज उसका करने आया था वो। बस यही आपके साथ फील्ड में हो रहा है, इसलिए अल्टीसी की जरूरत है। मेरी तो गलत हो रही है, हम लोगों को समझा नहीं जा रहे, वो हमें समझा के बेच रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये हमें क्यों समझा रहे या हमसे क्यों नहीं समझा जा रहे। तो एलटीपी में थोड़ा सा बारीक पॉइंट होता है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट।